हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 29 मई 2022 दिन संडे रविवार, आज के हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, सेना में भर्ती के नियम बदलने जा रही है सरकार। पहले केवल 4 साल सेवा करने का मौका मिलेगा आर्मी के लोगों को और फिर उनके प्रदर्शन के आधार पर ही चयन किया जाएगा। देश में अब सेना भर्ती के लिए भारत सरकार नई प्रक्रिया लाने जा रही है। इस प्रक्रिया का नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। इसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, फिर सभी को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और इसके बाद एक और प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद उनकी ड्यूटी आगे कंटिन्यू रह पाएगी। यानी कि 4 साल की नौकरी के बाद सभी सैनिकों को एक बार रिटायर कर दिया जाएगा, सिर्फ 25% सैनिकों की वापसी होगी। जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों के लिए सरकार ये नया नियम लाने जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के गर्भगृह का शुभ मुहूर्त निकाला गया। 24 जनवरी 2024 को गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। आपको बता दूं, गर्भगृह का निर्माण 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से गर्भगृह के निर्माण का शुभारंभ शुरू करेंगे, लेकिन गर्भगृह का निर्माण पूरा होने के बाद उसमें रामलला का विराजमान होने का शुभ मुहूर्त 24 जनवरी 2024 को निकाला गया है और उसके बाद आप भी राम मंदिर का विजिट कर पाएंगे, तब तक लगभग काम भी पूरा होने में होगा। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन भी हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हुए बोले कि 8 साल पहले यूरिया के लिए किसान लाठियां खाते थे, लेकिन हमने 5 बंद कारखाने भी खुलवाए और सरकार के इस फैसले से किसानों की समस्याएं कम होगी, क्योंकि यूरिया की एक बोरी में जितनी ताकत होती है ना, वो नैनो यूरिया के करीब आधा लीटर बोतल में ताकत होगी। नैनो यूरिया इतना पावरफुल यानी कि इतना शक्तिशाली होगा, किसान भाइयों के लिए, फसलों के लिए अब खाद की कमी नहीं रहेगी। इस प्लांट का उद्घाटन करने दौरान पीएम ने कहा कि मॉडल कोऑपरेटिव गांव की दिशा में आगे बढ़ रहा हमारा देश और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सरकार की अच्छी पहल, खास करके किसान भाई लोगों के हित में, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि 100 रुपए का नोट लेनदेन के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला नोट है और 97% लोगों को असली और नकली नोटों की पहचान भी है। अभी हमारे देश में 500 का नोट सबसे ज्यादा चलन में है, जबकि 2000 रुपए के नोट सबसे कम चलन में है। सिक्कों में बात करें तो 5 रुपए के सिक्के का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, 1 रुपए का सिक्का लोगों को पसंद नहीं है। देश में कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा दे रही है सरकार। आपको बताऊंगा, हमेशा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर फोकस कर दिए और आजकल तो काफी सारे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं डिजिटल पेमेंट करने के लिए, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन जो रोकड़ पैसों से लेनदेन होता है ना, उसके सर्वे में ये बात पता चली कि 100 रुपए का नोट अभी भी लेनदेन के लिए लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा नोट बना हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ा आदेश जारी करते हुए महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। अब माताओं बहनों को देश में महिलाओं को शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी कंपनी बिना मर्जी के काम नहीं करा सकेगी। यानी बोले तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की नाइट शिफ्ट अब खत्म हो जाएगी। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शाम 7 से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटी नहीं करवा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में ये नए नियम लागू होंगे और अगर महिलाओं से बिना परमिशन रात के वक्त कोई भी कंपनी कर्मचारी के तौर पर उनकी ड्यूटी लगाती है तो सीधे उस कंपनी पर कार्यवाही की जाएगी, है ना। तो महिलाओं के हित में यूपी सरकार का ये वाकई में अच्छा फैसला है। अच्छा, यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही, देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में अब आपको प्रीमियम ब्रांड की शराब भी सस्ती मिलेगी, दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल शराब की कीमतों में कटौती करने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अच्छा फैसला लिया। आने वाले कुछ दिनों में आपको यूपी में सस्ती शराब मिलने लगेगी, क्योंकि 36 तरह के प्रीमियम ब्रांड्स पर शराब बनाने वाली कंपनियों ने MRP कम कर दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में आम और टमाटर के भाव अब 100 के पार जा रहे हैं और अब सरकार इनके भी निर्यात पर रोक लगा सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। हाल ही में आपको बताऊंगा, सरकार ने गेहूं के बढ़ते दाम को देखते हुए गेहूं के एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात पर रोक लगाई थी। उसके बाद चीनी यानी कि शुगर के भी निर्यात पर रोक लगा दी, 1 जून से रोक लगाने का फैसला किया है। और अब खबर आ रही दोस्तों कि टमाटर, आम वगैरह इन चीजों के भी दाम देश में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इन चीजों को भी दुनिया के दूसरे देशों में भारत के द्वारा एक्सपोर्ट करने पर सरकार रोक लगा सकती है। देखते हैं आगे और ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, मैं आपको बता दूंगा। सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने इस योजना में कुछ बड़े बदलाव किए हैं और आपको भी इससे संबंधित नए नियम जरूर जान लेने चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना जो कि बेटियों के नाम पर खुलवाई जाने वाली योजना है, जिसमें 21 साल की लड़की होती है तो उसको लाखों रुपए की मदद मिल जाती है। जब लड़की का ब्याह शादी का टाइम आता है तब माता पिता को एकदम से पैसों का झटका नहीं लगता है, इसके लिए ये बहुत अच्छी योजना है, राइट। लेकिन सरकार ने इस योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। देख पा रहे बदलावों की लिस्ट में आप, अब 3 बेटियों को भी मिलेगा लाभ। इस योजना में पहले 2 ही बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना में खाते पर ATC के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था, लेकिन अब अगर आप अपनी तीसरी बेटी के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाते हो ना, तो भी आपको ATC के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिना एक्टिव मेच्योर तक जमा राशि पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। सरकार की इस योजना में सालाना न्यूनतम आपको 250
₹200 और अधिकतम ₹1.5 लाख जमा करवाने की फैसिलिटी मिलती है। राइट, न्यूनतम राशि पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है। नए नियमों के तहत खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर भी मेच्योर होने तक आपके खाते में जमा जितनी भी राशि होगी उस पर ब्याज आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा 18 साल बाद खाता ऑपरेट कर सकती है बेटी। सुकन्या योजना में पहले नियम था कि बेटी 10 साल की उम्र में खाते को ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब आप अपनी बेटी के नाम पर जिस भी लड़की के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाए हुए ना, तो वो बेटी खुद अब 18 साल से पहले अपने खाते को ऑपरेट नहीं कर पाएगी। 18 साल तक अभिभावक या माता पिता ही उसके अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष में मिल जाएगा। नए नियमों के मुताबिक खाते में गलत ब्याज डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान नहीं होंगे। सुकन्या योजना के खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट कर दिया जाएगा और इसके अलावा समय से पहले भी आप अपना खाता को बंद करवा सकेंगे। इस योजना के खाते में बेटी की जान चली जाने या अचानक ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा हो जाता है तो बेटी का पता बदलने पर भी आप खाता बंद कर सकते हैं या बेटी की जान जाने पर भी इस खाते को बंद करवा सकते हैं। लेकिन अब खाताधारक जानलेवा बीमारी को भी इसका कारण बता सकते हैं, मतलब बेटी को अगर कोई जानलेवा बीमारी भी हो जाती है तो भी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट को बंद किया जा सकता है, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इंडियन रेलवे के सभी यात्रियों के लिए नई सुविधा निकल कर आ रही है। रेलवे की तरफ से डेस्टिनेशन अलर्ट वेकअप अलार्म की सुविधा मिलेगी, यानी तय स्टेशन आने से पहले ही इंडियन रेलवे आपको जगा देगा कि आपको कौन से स्टेशन पर जाना है। आप रेल यात्रा करने दौरान 139 पर कॉल करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब जहां जिस स्टेशन पर आपको उतरना है उसके 20 मिनट पहले आपको अपने मोबाइल पर SMS और कॉल के जरिए अलार्म सेवा का फायदा मिल सकेगा। अब आप इस सुविधा का फायदा कैसे ले सकते हैं, कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके ले सकते हैं। 139 पर आप कॉल करोगे तो आपसे 10 अंकों का PNR नंबर पूछा जाएगा, वो इंटर करना है और उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन SMS मिलेगा, है ना। इस तरह से आप इस फैसिलिटी का फायदा ले पाएंगे। रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक के लिए ये सुविधा उपलब्ध रहती है, ताकि मतलब अगर आप रात के समय रेलवे में सफर करने दौरान सो भी रहे तो भी आराम से चैन की नींद सो पाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। छोटे बच्चों के माता पिताओं को अब फोन पर मिलेगा अलर्ट। मुख्यमंत्री ने शुरू की यह नई सुविधा। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से नई फैसिलिटी शुरू की गई है। अब मान ने राज्य भर के बच्चों का टीकाकरण अनिवार्य सुनिश्चित कराने के लिए ये नई सुविधा शुरू की है। आज से ही 5 साल तक की उम्र के नवजात बच्चों के माता और पिता को उनके मोबाइल फोन पर बच्चों के टीकाकरण की समय सारणी के संदेश भेजने के साथ ही टीकाकरण को लेकर अलर्ट भेजने का काम भी शुरू किया गया। यानी कि अब जिस किसी के भी घर में नन्ना बच्चा जन्मेगा तो उसको कब कब कौन सा टीका लगाना है उसका आपको SMS पर अलर्ट मिलता रहेगा। पंजाब सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मंकी पॉक्स पर ICMR की बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है कि ये बीमारी छोटे बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। सिर्फ 20 दिन में 21 देशों में इसके 226 मामले देखे गए। मंकी पॉक्स के 3 प्रमुख लक्षण है। त्वचा पर मवाद से भरे दाने बन जाते हैं, बुखार आती है, शरीर में दर्द होता है। और अब तो हमारी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी तरफ से भी मंकी पॉक्स को लेकर सभी भारतीय नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। खास करके ICMR का कहना है कि छोटे बच्चों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार इस संक्रमण को लेकर हाई अलर्ट पर है। और अगर आपके भी बच्चे बच्चों में इससे संबंधित कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो तुरंत आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर को चेकअप जरूर करवाएं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। सस्ते में आपको हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। एयर एशिया फ्लाइट बुकिंग पर 50% तक का डिस्काउंट दे रहा है और 30 जून तक आपको इस ऑफर का फायदा भी मिलेगा। आप अपने आने वाली 30 सितंबर तक की फ्लाइट के लिए इस ऑफर के तहत फ्लाइट बुक करा पाएंगे। हालांकि दोस्तों ये ऑफर केवल टाटा ग्रुप के नए सुपर एप टाटा न्यू के द्वारा अगर आप एयर एशिया इंडिया फ्लाइट की बुकिंग करवाते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। छात्राओं को 1 साल तक मुफ्त दी जाएगी सैनिटरी नैपकिन। जागरूकता के लिए देश भर में 111 से ज्यादा जगहों पर शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पूरे देश में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाते हुए दिल्ली स्थित सामाजिक उद्यम प्रोजेक्ट बाला और जज्बा फाउंडेशन ने मिलकर देश में एक नई पहल शुरू की है। महिलाओं में जो महामारी का मासिक चक्र होता है उस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जा रहा है इन फाउंडेशन की ओर से। और इस अभियान के तहत पूरे देश में 111 से भी ज्यादा जगहों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे जिनमें 11,000 से भी ज्यादा महिलाएं भाग लेगी। इस दौरान लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही जरूरतमंदों को सैनिटरी नैपकिन भी दिए जाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब सरकार का एक और फैसला आ रहा है। स्कूलों के लिए पंजाब सरकार ने फरमान जारी किया कि 5 अगस्त तक स्कूल बसों का बकाया टैक्स भरने की हिदायत दी है। पंजाब सरकार ने राज्य के स्कूल प्रबंधकों से कहा कि वह स्कूल बसों का बकाया टैक्स जल्द से जल्द जमा करा दें और इसके लिए 5 अगस्त अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। इसके बाद स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब सरकार ने एक और पहल की है। अब सेवा केंद्रों में मिलेगी और सुविधाएं। जो सरकार के सेवा केंद्र है उनमें मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। पंजाब के गाँवों व शहरों में टोटल 516 सेवा केंद्र हैं, जिनमें पहले 380 के करीब सेवाएं मिलती थी, लेकिन अब 100
और सेवाओं को बढ़ा दिया और अलग अलग तरह की फैसिलिटी अब आपको पंजाब सेवा केंद्रों पर मिलेगी। सरकारी दफ्तरों को लेकर भी भगवंत मान सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में फाइलों की जगह ऑनलाइन काम करने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब ई ऑफिस बनाए जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट के, जिससे पेपर भी कम बिगड़ेंगे और काम भी डिजिटल होगा। वही दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री संत बलबीर सिंह सिचेवाल व विक्रमजीत सिंह को आम आदमी पार्टी के मुख्य उम्मीदवार के रूप में चुना गया है पंजाब में, है ना। इसके अलावा पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा एक्शन ये भी लिया कि 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा को हटा दिया। इनमें कई सारे नेताओं से लेकर धर्म गुरु तक शामिल थे, लेकिन उनको अब वीआईपी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ पंजाब स्टेट्स के अपडेट हैं। चलिए फिलहाल बात करें अगली बड़ी खबरों पर। देखिए आप, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया कि शहरी क्षेत्रों में खुलेंगे संजीवनी क्लिनिक। डॉक्टरों से बदसलूकी पर राष्ट्रपति ने चिंता भी जताई और कहा कि डॉक्टर भी मनुष्य होता है। आपको बता होगा कई जगहों पर देश में ऐसी घटनाएं देखी जाती है कि हॉस्पिटल में अगर किसी के साथ पेशेंट की जान चली जाती है या पेशेंट के साथ कोई बुरा हो जाता है तो जो पेशेंट के घर वाले होते हैं वो डॉक्टरों के साथ बदसलूकी बर्ताव करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, राइट। तो ऐसे मामलों पर, ऐसी घटनाओं पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कहना है कि डॉक्टर भी इंसान ही होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एमपी राज्य में एक नए आयोग का गठन किया जाएगा और मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नए संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे, जिससे कि आम आदमी को और ज्यादा बेहतर हेल्थ सुविधाएं मिल पाएगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मेगा जश्न का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश शिमला में 31 मई को पीएम मोदी की रैली और रोड शो का आयोजन होगा, जहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। और इस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना कि ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी शिमला के रिज मैदान पर आ रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, जगन्नाथ की रथ यात्रा 2 साल के बाद देश विदेश से 20 लाख से भी ज्यादा भक्त इसमें शामिल होंगे। भगवान जगन्नाथ 1 जुलाई को भक्तों को दर्शन देंगे और इसके लिए उड़ीसा राज्य के पुरी में रथ बनाने का काम भी तेजी से चल रहा। करीब 800 कारीगर दिन रात रथ बनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकल पाई, लेकिन इस बार इसकी इजाजत दे दी है सरकार ने और बड़ी धूमधाम के साथ इस बार जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए, निर्यातकों के लिए इंडिया बिजनेस पोर्टल का उद्घाटन किया अनुप्रिया पटेल ने। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को ई वाणिज्य प्लेटफॉर्म इंडिया बिजनेस पोर्टल का उद्घाटन किया, जो कि भारतीय निर्यातकों यानी कि भारत के जो ऐसे बिजनेसमैन जो एक्सपोर्टर्स हैं और अंतरराष्ट्रीय खरीदार जो हैं उनके बीच एक कारोबार सुगम बनाने के लिए सेतु की तरह ये प्लेटफॉर्म काम करेगा। अच्छी बात यह दोस्तों कि इस पोर्टल के जरिए भारत का इंडस्ट्रियल व्यापार कारोबार बढ़ेगा, तो एटलीस्ट इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, अडानी कंपनी अब ड्रोन भी बनाएगी। ड्रोन स्टार्टअप में अडानी कंपनी ने 50% की हिस्सेदारी खरीदी है एविएशन इंडस्ट्री के साथ। अडानी कंपनी की एक बड़ी डील है। समूह के अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ने जनरल एरोनॉटिक्स नाम की ड्रोन बनाने वाली कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदने के लिए डील की है। अच्छा, वही टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप ला रहा नया फीचर। अब गायब हुए मैसेज को वापस रिस्टोर कर पाएंगे यूजर्स। आपको बता होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही व्हाट्सएप ने यह नया फीचर दिया था कि व्हाट्सएप के मैसेज भेजने के बाद कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक वेनिस डिसअपीयर हो सकते हैं, राइट। तो उस गायब हुए मैसेजेस को अब आप वापस स्टोर कर पाएंगे, इस तरह का भी रिवर्स फीचर व्हाट्सएप आपको देगा। अच्छा, वही केदारनाथ यात्रा से बड़ी खबर आ रही है, 4 और तीर्थयात्रियों की जान चली गई। अब तक केदारनाथ यात्रा में टोटल 48 लोगों की जान जा चुकी है और प्रशासन का कहना कि अगर आपकी हेल्थ सही है, आपका स्वास्थ्य चेकअप रिपोर्ट सही आती है तो ही आप यात्रा करें। अच्छा, अभी तो देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, इस बार मानसून में देरी होगी। आज कल में केरल पहुंच जाएगा मानसून। 10 जून तक छत्तीसगढ़ राज्य भी बादल पहुंच जाएंगे। पहले 7 का अनुमान था, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदलने लगा और मौसम विभाग ने ये नई तारीखें घोषित की हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश होगी, आंधी और ओलावृष्टि के आसार भी हैं। आईएमडी की तरफ से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में केरल माही लक्षद्वीप में गरज और चमक के साथ बिजली चमकने के भी आसार हैं और बारिश भी हो सकती है। इन 5 दिनों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के भी अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 29 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो देख सकते हैं आप अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में हल्की
से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और हिमालय के कुछ हिस्सों में भी बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए दोस्तों, सोना सस्ता हुआ और चांदी की भी चमक बढ़ी है। इस कारोबारी साप्ताहिक रेट की बात करें तो सोने के भाव में 113 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी में 332 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल देखा गया। और उसके बाद सोने और चांदी के रेट में साप्ताहिक बदलाव क्या हुए, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना बुलेटिन देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना का नया खतरा देखा जा रहा है। राज्य में पहली बार ओमिक्रॉन के सब वेरियंट्स के 7 केस मिले हैं और इन संक्रमितों में एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है। देश के 5 ऐसे राज्य जहां अभी कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस और नए केस चल रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान शामिल हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के टोटल 529 नए मामले दर्ज किए गए। पहली बार राज्य में BA.4 और BA.5 वेरिएंट भी सामने देखने को मिले। भारत में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 24 घंटों में 2685 नए केस आए, एक्टिव मामले 16,000 के पार चले गए। अभी वापस भारत में कोरोना में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अच्छा, कोरोना के बाद एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। CUET एग्जाम पर खबर आ रही है। UGC ने CUET UG के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है और इसका एग्जाम भी जुलाई 2022 तक हो सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 2022 को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि जिस गांव में सरकार में सभी महिलाएं निर्विरोध चुनी जाएंगी तो उस पंचायत को सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे और ऐसे पंचायतों के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, घर बनाने वालों को बड़ा झटका लगा। सीमेंट के रेट बढ़ चुके हैं, सीमेंट की कीमतों में बंपर बढ़ोतरी देखी गई। हाल ही में तो आपको पता होगा दोस्तों, सरिया वगैरह और सीमेंट की कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन अचानक से वापस सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर आ रही है। सीमेंट के एक बैग में 20 रुपए से 55 रुपए तक की बढ़ोतरी 1 जून के बाद देखने को मिल सकती है। चलिए खेल समाचार पर बड़ा अपडेट आ रहा है। एशिया कप हॉकी में टीम इंडिया ने सुपर 4 मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया, लीग की हार का बदला लिया। मनजीत और पवन ने दागे गोल। युवाओं से भरी टीम इंडिया ने शनिवार शाम एशिया कप हॉकी के सुपर 4 मुकाबले में जापान को हरा दिया। इसके साथ ही लीग मैच के दौरान मिली हार का हिसाब भी चुकता कर दिया है। ये भारत के लिए हॉकी टूर्नामेंट में एक बड़ी जीत है। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों। 1 जून से एक्सिस बैंक ग्राहकों के लिए एक नियम बदलने जा रहा। अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। सिर्फ एक्सिस बैंक ग्राहकों के लिए ही नहीं बल्कि 1 जून से कई सारे बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। 5 बड़े बदलाव मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। इसके अलावा कुछ और जो नए नियम है 1 जून से लागू होने वाले, उनका सेपरेट वीडियो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर आज दिन में बता दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। अभी मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। देखिए, एक्सिस बैंक ग्राहकों के लिए 1 जून से जो नियम बदलने जा रहा, मिनिमम बैलेंस की लिमिट 15,000 से बढ़ाकर एक्सिस बैंक 25,000 करने जा रहा। कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में मंथली मिनिमम बैलेंस को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया। अब अगर आप मंथली बैलेंस 25,000 मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी चार्ज देनी पड़ेगी। इसके अलावा ऑटो डेबिट सक्सेस नहीं होने पर लगने वाली पेनल्टी चार्जेस को भी बढ़ा दिए। 600 रुपए हुआ मंथली सर्विस चार्ज। एक्सिस बैंक के ग्राहक यदि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा आपको। मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के लिए अधिकतम मंथली सर्विस चार्ज 600 रुपए और सेमी अर्बन एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 रुपए, अर्ध ग्रामीण वालों के लिए और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 250 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं अगर आपका ऑटो डेबिट फेल हो जाता है, खाते में बैलेंस मेंटेन नहीं रह पाता, तो उसके लिए भी चार्जेस 500 रुपए, 350 रुपए, 250 रुपए अलग अलग अकॉर्डिंग आपको देने पड़ेंगे, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और रूल्स बदले जा रहे हैं। जैसे आप देखिए, 1 जून से भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों के लिए होम लोन लेने पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 जून से ही SBI अपनी लोन की बेंचमार्क लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी कर देगा और उसके बाद लोन रेट महंगी हो जाएगी। मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगा होने जा रहा है। 1 जून से ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1000 CC इंजन क्षमता वाली कारों का इंश्योरेंस प्रीमियम अब आपको 2094 रुपए देना पड़ेगा, जो पहले 2072 ही था। इसी तरह से 1000 CC से 1500 CC और भी अलग अलग कारों और बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह के लिए इंश्योरेंस की किस्त, इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो आपको 1 जून से ज्यादा देनी पड़ेगी। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी अभी कल परसों ही बताई थी, राइट? अगर आप DLS न्यूज के वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा। अच्छा, सोने के गहनों को लेकर गोल्ड हॉल मार्किंग का दूसरा चरण भी सरकार 1 जून से लागू करने जा रही है। अभी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में 32 और नए जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोले जाएंगे। इससे पहले ही सरकार 256 जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोल चुकी है, लेकिन अब कुल 288 जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खुल जाएंगे, जहां केवल 20 से 24 कैरेट का सोना ही बेचा जाएगा। एक्सिस बैंक के बचत खाते वाले ग्राहकों के लिए भी नियम बदलने जा रहे, मैंने आपको बताई दिया। इसके अलावा हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के रेटों में भी बदलाव होता है, तो वो 1 तारीख को जब अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना? तो ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है दोस्तों 1 जून 2022 से ही, यानी कि 2-3 दिन बाद, अगले महीने की 1 तारीख से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। और भी कई सारे बड़े बदलाव है, मैं आपको अलग से कंप्लेंट्स वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी यहां पर एक एक सारे नियम बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना? चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, कुल्लू वगैरह घूमने वाले पर्यटकों के लिए अपडेट आ रहा।
अगर आप भी रोहतांग दर्रा घूमने जाते हो ना, तो वहाँ पर अब आपको 20 फीट ऊंची व्यास ऋषि की प्रतिमा का भी विचरण करने का मौका मिलेगा, क्योंकि रोहतांग दर्रे में 20 फीट ऊंची व्यास ऋषि की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हंस फाउंडेशन के माध्यम से रोहतांग दर्रे पर 60 फीट ऊंची ये व्यास ऋषि की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके साथ ही मनाली के वन विहार में पर्यटक माता हिडिम्बा और मनो ऋषि के इतिहास के बारे में भी जान पाएंगे। साथ ही लाइट एवं साउंड सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा, है ना। और साथ ही देखिए अगला अपडेट, राजधानी दिल्ली में रात्रि 3 बजे तक नहीं खुल सकेंगे बार और रेस्टोरेंट, दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाल ही में आपको बताऊंगा, दिल्ली सरकार ने जो शराब की नई आबकारी नीति लागू की थी उसके मुताबिक दुकानों को रात में 3 बजे तक खुले रहने के लाइसेंस दिए जाने की इजाजत दी थी, राइट। लेकिन इसके लिए जब दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी गई तो दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। अच्छा, बॉलीवुड से अपडेट आ रहा, कंगना की फिल्म सुपर डुपर हुई फ्लॉप। धाकड़ फिल्म जो है उसने 8वें दिन कमाई मात्र 4,420 रुपए, फिल्म के सिर्फ 20 टिकट बिके। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने बहुत ही कम कमाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 8 दिन में 5 करोड़ रुपए ही कमा पाई, इतनी ज्यादा पिट गई ये फिल्म। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद के बाद अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के विजिटर पद से भी हटाए जाएंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़। हाल ही में आपको पता होगा, 1-2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये आदेश जारी किया था कि अब राज्यपाल की जगह विश्वविद्यालयों की जो कुलपति चांसलर है वो मुख्यमंत्री ही होगी, राइट। तो उसके बाद अब ये एक और नया फैसला भी लिया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, कुत्ता पालने वाले शौकीनों को अब पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन और उसके बाद कुत्तों का वैक्सीनेशन करवाना होगा। उत्तर प्रदेश बरेली नगर निगम की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। यहाँ पर प्रशासन ने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना और वैक्सीनेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया। आप ऑनलाइन ही नगर निगम की ओर से वेबसाइट ई नगर सेवा पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए मात्र आपको 10 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, कनाडा विदेशियों के लिए एंट्री सिस्टम में बदलाव करेगा, इंडियन स्टूडेंट्स को इससे बड़ा फायदा होगा। दरअसल कनाडा में विदेशियों को एंट्री देने के अपने सिस्टम में बदलाव करने जा रहा कनाडा देश जो कंट्री है वो। वह ऐसे लोगों को अपने यहाँ आने की इजाजत देगा जिनके कौशल की जरूरत कनाडा को होगी। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के नए वर्जन में खास एकेडमिक डिग्री, लैंग्वेज और इंडस्ट्री आधारित ऑक्यूपेशन जैसे मानकों के आधार पर विदेशी लोगों को कनाडा आमंत्रित किया जा सकेगा और इससे जो हमारे भारत के इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स वगैरह वो भी अब कनाडा आसानी से जा पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या होता है, किस मच्छर के द्वारा जो मलेरिया फैलाया जाता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।